वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हनुमान लौट के आया लंका से और सारे अनगादा हनुमान अनगादा सुग्रीव दक्षिण से वापस आए किष्किंधा। अभी हनुमान ने समाचार दिया राम भगवान राम को कि सीता को मिल गया। भगवान राम इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने हनुमान को आलिंगन किया और उन्होंने कहा मैं उससे अलावा कुछ भी आपको दे नहीं सकता हूँ अभी। तो भगवान राम ने यहाँ एक और चीज़ कहा कि यू आर द फर्स्ट क्लास सर्वेंट, आप सबसे बढ़िया सेवक हैं, क्योंकि आप जो आपको कहा गया है कि आपको सीता को खोज करना मिलना है, कहाँ है सीता, वो आपने कर लिया और उसके साथ उससे आगे आप और ज़्यादा भी सेवा किया आपने आप, और ये सेवा किया आपने एस्टिमेट किया लंका में क्या क्या है, आपने लंका को जलाया भी, मतलब, और आप जीवित वापस आ गया। ये वास्तविक सर्वेंट है। वर्णन है कि तीन प्रकार के भक्त है, मतलब डिसाइपल जो सेवक है। एक ऐसे बेस्ट है जो जिनको पता है कि अपने गुरु या अपने स्वामी का मन में क्या है, उनका इच्छा क्या है, तो बिना बोलना और भी सेवा करेंगे। और एक ऐसा है नेक्स्ट बीच में ऐसा एक है कि जो गुरु बोलेंगे ये मालिक बोलेंगे तो वो डिसाइपल ये सेवक वो कर लेंगे, बोलने से करेंगे, अपने आप नहीं करेंगे, बोलने से करेंगे। और तीसरा ऐसा है कि उनको जब बार बार बताया गया भी ये करना फिर भी नहीं करते, तो ये थर्ड क्लास है। तो हनुमान फर्स्ट क्लास थे, जो करना था वो किया और उससे आगे उन्होंने भी और भी किया, अपने आप लंका में गड़बड़ कर दिया, दिखाया थोड़ा कि क्या है। तो इसीलिए हनुमान भगवान राम ने कहा कि आप सबसे बेस्ट भक्त हैं। तो राम हनुमान को आलिंगन किया, मतलब भगवान राम संतुष्ट थे। और ये वास्तव में भक्ति में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न करना है, संतुष्ट करना है। तो अभी आगे विचार हो रहा है कि अभी सीता को कैसे प्राप्त करना, कैसे हम वहाँ जाएंगे। तो राम ने विचार किया कैसे हम करेंगे। तो सुग्रीव ने यहाँ सुजेस्ट किया कि शायद सेतु बनाना होगा, बाद अलग अलग विचार होगा, लेकिन बीच में सुग्रीव ने कहा कि शायद एक ब्रिज सेतु बनाना होगा वहाँ जाने के लिए। और सुग्रीव ने कहा कि हमारे पास अभी पूरा आर्मी है, सब जगह से वो वानर आ गया, तो ठीक है। तो राम तुरंत आदेश दिया कि तैयार करना है आर्मी और तुरंत निकलना है, जितना जल्दी हो सकते इतना जल्दी जाना है। तो हनुमान और भी विस्तार ने अभी समझाया कि अभी लंका में उन्होंने क्या देखा, उसका जो दीवार है कितना बड़ा है, कितना किस प्रकार के राक्षस है, क्या वहाँ पर जैसे दीवार है तो उससे आगे पानी है और उसी पानी में ऐसे पूरा जो लंका का जो शहर है, पूरा चक्र है, उसके बाहर पानी है, उस पूरा मगरमच्छ है, उसमें एलिगेटर्स मगरमच्छ उसमें है। तो ये सब उनने समझाया, क्या उनने देखा
किस प्रकार के आस्त्रा है वो राक्षसों के पास। यहाँ पर एक अद्भुत चीज लिखा है, कैटेपुल्स, अलग अलग प्रकार के मशीन्स थे वो आस्त्रों को फेंकने के लिए, और एक था मशीन विच कुड फायर ब्लेजिंग आयरन डार्ट्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 miles। 10 miles दूर तक मशीन था, मशीन गन जैसे। ऑफकोर्स जो मशीन गन है चौथा वाला वो इतना दूर नहीं जाएगा, लेकिन ये 10 mile तक फायरिंग ब्लेजिंग आयरन, मतलब बड़ा मशीन गन जैसे। तो मतलब जो राक्षस थे उनके पास, जो आजकल हमारे पास मशीन गन और ये सब है, वो उनके पास भी था, ऐसे कुछ था ऐसे वर्णन है। तो सारे अस्त्रों का वर्णन दिया हनुमान। और ये लोग अभी जब हनुमान ने गड़बड़ किया लंका में, और भी अभी तैयार हो रहा है सब कुछ युद्ध करने के लिए, तो और भी वो ध्यान करेंगे अभी। तो राम ने कहा ठीक है तुरंत तैयारी करना जाने के लिए, तो रावण नहीं बच जाएंगे, नहीं बचेगा। तो सुग्रीव का जो सेनापति, मुख्य सेनापति का नाम था नीला, तो उन्होंने सुग्रीव ने आदेश दिया नीला को कि एक एडवांस पार्टी भेजना है। एडवांस पार्टी मतलब कि बहुत शक्तिशाली राक्षस जाएंगे आगे और रास्ता को तैयार करना, रास्ता को तैयार करना। और उसमें एक मुख्य चीज़ होगा कि उसी रास्ते में कोई शत्रु नहीं होंगे, कि और भी रास्ते में अगर राक्षस आक्रमण करेंगे, ये कोई अलाय है रावण का, तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एक आगे जाएगा पार्टी ग्रुप, और आगे आदेश बाद में दिए तो चले गया। और बाद में गजा गवाया घंदमादन ऋषभ द्विविध मैंदा, द्विविध गोरिल्ला जो बाद में उसमें आएगा कृष्णा लीला में भी, द्विविध वहाँ थे, द्विविध मैंदा और बहुत सारे बड़े ये सारे नाम राम ने बताया, ये सब बड़े सेनापति थे, सबको आदेश दिया अपने योद्धाओं को तैयार करने के लिए। और राम ने कहा कि मैं हनुमान के पीठ पर बैठ जाऊंगा और लक्ष्मण अंगादा के पीठ पर बैठेंगे और हम जाएंगे। तो मतलब भगवान राम हनुमान के ऊपर बैठ के जा रहे थे युद्ध करने के लिए, और अंगादा के पीठ पर लक्ष्मण बैठ के। तो तुरंत सब तैयार हो गया और सब लोग चले गए। मिलियंस करोड़ों वास्तव में मंकीस वानर, बहुत शक्तिशाली वानर निकल गया दक्षिण की तरफ, और सब लोग खुश थे अब हम युद्ध करेंगे रावण का, मरेंगे। ऐसे बीच में वो लोग चिल्लाते थे रावण को मरेंगे, ये सब पूरा उत्साहित थे वो लोग कि हम युद्ध करेंगे, पूरा लंग को नाश करेंगे, सारे राक्षसों को नाश करेंगे। वो बहुत जोर से चिल्लाते थे स्पोर्टिंग, वो उनके लिए अच्छा लगा सबको। वो वृक्ष के ऊपर जब रास्ते में जाते थे तो वृक्ष था तो वृक्ष के ऊपर जाते थे, पहाड़ के ऊपर तो नीचे कूदते, ऊपर कूद गया नीचे कूद गया, ऐसे ही खेलते थे बीच में। और उसके साथ जंबवान अपनी सेना, जंबवान की सेना था बेयर्स, मतलब बालू बेयर्स की, बेयर्स की एक पूरा सेना था, वानर और बेयर्स मतलब बालू। और राम लक्ष्मण अभी हनुमान और गाड़ा के ऊपर बैठ के जाते, लक्ष्मण ने राम को कहा कि बहुत अच्छा लक्षण है, अच्छा लक्षण कौन से बताया कि ताजा हवा आ रहे हम की तरफ, जो
जो जानवर है और पक्षी वो हमारे साथ जाते हैं, वो अच्छा लक्षण है। अगर हम जाते कहीं तो अगर जानवर और पक्षी हमारे साथ जाते तो बहुत अच्छा लक्षण, तो वो सब उनके साथ जाते थे और सब लोग खुश हैं, तो ये बहुत मतलब इसका ये लक्षण है कि ये जहाँ जिसके लिए हम जा रहे हैं उसमें सफल होगा, उसमें सक्सेस होगा। तो वर्णन है कि जब वो अलग अलग नदी को पार किया तो इतने सारे बंदर थे और इतने बड़े थे कि ये जो पानी का जो तेज है, जो गति है, वो उल्टा गया ना, जब पानी का जो फ्लो है जाता है ऐसे, लेकिन जब वो सब आ गया तो वो उल्टा पानी उल्टा जाने लगा, माइल्स तक पीछे गया पानी। और जब वो अलग अलग तालाब को पार किया तो ये तालाब ने भार भार हो गया, मतलब आसपास में जो जो भी जमीन था वो पूरा भार आ गया, पानी बाहर आ गया, ऐसे हो गया। तो वो लोग दिन रात ट्रैवलिंग किया, दिन रात वो सोते थे नहीं रात को, जब दक्षिण की तरफ गए वो केवल दिन रात वो जाते थे, जाते जाते, और बहुत जल्दी वो बाद में कुछ दिनों में पहुंच गया कहाँ, समुद्र के पास, समुद्र के पास, बड़ा समुद्र। तो अभी सब वानर समुद्र को देखते और सबको आश्चर्य लगे, हम कैसे पार करेंगे। ऑफ कोर्स वो सोचते थे कि राम और सुग्रीव और लक्ष्मण कुछ सोचेंगे कैसे हम पार करेंगे, लेकिन बाकी जो बंदर थे वो सोचते थे ये कैसे हम लोग कैसे पार करेंगे, क्या आगे करना। लेकिन सबका विश्वास है कि राम और लक्ष्मण सुग्रीव ये लोग कुछ अच्छा उपाय सोचेंगे कैसे पार करना। इस प्रकार तो यहाँ तक। अभी आगे अब आगे लंका में क्या हो रहा है। लंका में रावण ने पूरा सभा को बुलाया, सारे बड़े मंत्रियों को और राक्षसों को, लीडर्स को, सबको बुलाया एक बार। तो मतलब ये जब हनुमान चले गया और जब ये अग्नि थोड़ा कम हो गया उसके बाद ये सबको बुलाया। अभी वर्णन है कि खम्ब रामायण में कि ये 7 दिन तक आग जलाया और रावण ऊपर चले गया, पुष्पा विमान में, हवा में, आकाश में थे कुछ दिन। बाद में सबको बुलाया, सब कुछ नाश हो गया। वर्णन है कि उन्होंने बाद में विश्वकर्म को बुलाया कि दोबारा सब कुछ बनाया, कुछ दिनों में पूरा लंका को वापस कंस्ट्रक्ट किया कुछ दिनों में। लेकिन अभी इस सभा में क्या बात हो रहा है, ये रावण बहुत नाराज थे कि ये पूरा नाश कर दिया, पूरा लंका को नाश कर दिया हनुमान अकेले। उनका खुद का जो बेटा है अक्षा वो मर गया और बहुत सारे राक्षस जनरल बहुत सारे मर गया। तो रावण ने पूछा सभी से, आपका सुझाव क्या है, क्या करना ने? तो लग रहा है कि अभी रावण थोड़ा बुद्धि उनके पास आ गया, हाँ पूछ रहे क्या करना आगे। तो वाल्मीकि बताते कि ये जो रावण के सब लोग थे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, शक्ति में कोई कमी नहीं था, लेकिन वो लोग बुद्धिमान नहीं थे, किसी के पास बुद्धि ज़्यादा नहीं था। तो वो लोग केवल क्या किया, जब रावण ने पूछा सभी से कि आपका सुझाव क्या है आगे, तो सब बोला हम लोग करेंगे। हर एक राक्षस ने अपना गुणगान किया, उन्होंने सब बोलने लगा कि ये इतने शक्ति है हम कुछ भी कर सकते हैं। और तब पहले तो रावण का गुणगान किया, ऑफकोर्स सबको याद दिलाया रावण को कि आपको याद है कि हम सारे देवों तो गंधार्व यक्ष नाग दैत्य दानव
सबको हम पराजित किया, आपने पराजित किया, आपने मृत्यु को पराजित किया। शुरुआत में हम आई थिंक पहला जब इसका सीरियल का फर्स्ट क्लास है तो उसमें वर्णन था कि रावण ने यमराज के साथ युद्ध किया, यमराज के साथ टाइम था पुरुष रूप में और मृत्यु दंडा दूसरा मूर्ति, तो वो सब लड़ाई हुआ वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर यमराज रावण को पराजित करने वाले थे, ख़त्म करने वाले थे, लेकिन ब्रह्मा ने मना किया। ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग उनको याद दिलाते, आपको याद है कि आपने यमराज अपने मृत्यु को भी पराजित किया सब कुछ। बाद में एक राक्षस जो एक्चुअली मुख्यमंत्री थे प्रहास्ता, उन्होंने खड़े होकर उन्होंने कहा, बहुत जोर से बोला, वी वर कॉट अनअवेयर, हम तैयार नहीं थे कि ये हनुमान चुप के आ गया अंदर और उन्होंने ऐसे आक्रमण किया। अगर हम तैयार थे उनके लिए तो हम उसको खत्म कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं सारे बंदरों को अकेले खत्म कर सकता हूँ, केवल आदेश दो रावण तो मैं खुद करूँगा। दूसरा राक्षस ने कहा, उसका नाम था विरूपाक्ष, उन्होंने कहा अब मैं राम और लक्ष्मण को खुद ही खत्म कर सकता हूँ, आप आदेश दीजिए मैं तुरंत जाऊँगा, मैं सबको खत्म करूँगा। ऐसे लोग अपना गुणगान किया। दूसरे राक्षस ने कहा कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कुछ राक्षस अपना रूप बदल के बंदरों के बीच में जाएंगे और बोलेंगे कि हम भारत ने हमको भेजा अयोध्या से और हम उनके साथ जैसे युद्ध करेंगे। उसके बाद बाकी राक्षस ऊपर से आक्रमण जब करेंगे तो तब हम आक्रमण ऊपर से अंदर से दोनों तरफ से तुरंत हम सबको खत्म करेंगे, ऐसे ये भी विचार था। और हर एक राक्षस ने कहा कि मैं खुद सारे बंदर और सबको खत्म कर सकता, सब हर एक राक्षस ऐसे बोला, सबका मिथ्याहंकार बहुत था। तब जब तोरा शांत हो गया सब कुछ, तब विभीषण जो रावण के भाई हैं खड़े होकर उन्होंने रावण को बताया, उन्होंने पहले बताया कि युद्ध करना तुरंत नहीं है, हमें थोड़ा बुद्धि लगाना है कि युद्ध कब करना, इसके बारे में सोचना है। युद्ध तब करना अगर हमारे जो शत्रु हैं हमसे इतना शक्तिशाली नहीं है, अगर हम देख सकते कि शत्रु इतना पावरफुल है तो युद्ध करने का कोई विचार नहीं है। कोई नहीं जानते कि राम को अटैक करना मतलब क्या। ऑफ कोर्स विभीषण दूसरे राक्षस जैसे नहीं थे, विभीषण पुण्यशाली थे, उन्होंने ध्यान और पूजा भी किया, इसलिए वो राम के भक्त थे। और इस प्रकार वो जानते थे कि राम भगवान है, राम दिव्य व्यक्ति है। यू हैव फॉरगॉटन, वो तो अभी विभीषण रावण को याद दिला रहे, आपने भूल गया कि कैसे राम ने अकेले 2 घंटे में दूषण और खारा और उनके साथ 14,000 जो राक्षस थे सबको खत्म कर दिया। आपको याद नहीं है कि अभी थोड़ा दिन पहले जो हनुमान है उनने अकेला पूरा लंका को स्मैश किया, आपको याद नहीं है? सीता को वापस दो, ये विभीषण का वो था सुझाव, तो नहीं तो पूरा लंका खत्म हो जाएगी। तो रावण ने सुना, कोई कमेंट नहीं दिया,
लेकिन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, विभीषण जो बोला उनको पसंद नहीं था। बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाद बस ये बात हो गया, उसके बाद ये सभा समाप्त हुआ। तो अगले दिन नेक्स्ट डे विभीषण दोबारा अकेले रावण को अप्रोच किया। तो रावण के पास जब गया तो वहाँ पर ये जो राक्षसों के पंडित है वो लोग अलग अलग वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया कि उनको आशीर्वाद होगा, मतलब कि रावण विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए तो विभीषण जा रहे थे मिलने के लिए, तो देख रहे कि हो रहे हैं, और विभीषण जानते थे कि ये कभी भी नहीं हो सकते कि रावण राम को पराजित करेंगे। तो विभीषण रावण के पास आ गया, रावण ने उनको बिठाया, बैठने के लिए बोला। तो विभीषण अभी सीधा रावण को आँख में देख रहे, उनको बोलने लगा, पहले समझ लो कि देखो जब से सीता यहाँ है लंका में अलग अलग अशुभ लक्षण है। कुछ कुछ बताए, बोले कि सक्र जो यज्ञ होता है जब होता है तो उससे स्पार्क्स आते बाहर, चिकरी क्या बोलते हैं वो, स्पार्क्स आते बाहर, ज़्यादा स्मोक जो धुआं है आता है, गाय दूध नहीं देते, जब गाय दूध नहीं देते अचानक से बहुत अशुभ लक्षण। जो कौवा है क्रोस वो बहुत नीचे तक उड़ते हैं और जोर से बोलते, और जैकल्स बहुत जोर से चिल्लाते दिन रात, ये बहुत अशुभ लक्षण है। सीता को वापस देना है, ये विभीषण का सुझाव था। रावण शेकिंग है, नहीं कभी नहीं, कैसे राम मुझे पराजित करेंगे, संभव नहीं है, ये केवल मनुष्य है। और उन्होंने कहा कि मैं आज ही आदेश दूंगा ये सेना को तैयार करने के लिए, युद्ध करने के लिए आज ही करूंगा। तब विभीषण ऐसे सोच रहा, ये व्यक्ति तो होपलेस केस, वो कोई समझ नहीं पा रहे, ये आदमी समझ नहीं पा रहे। तो रावण ने विभीषण को भेज दिया और सोचा कि मुझे सीता को ही प्राप्त करना है। तो ये बाद में रावण अपना विचार करते, जो भी कुछ होगा हम युद्ध करेंगे, अगर मर जाएंगे भी फिर भी हम युद्ध करेंगे, बस अगर सब कुछ नाश होगा फिर भी हम युद्ध ही करेंगे, ठीक है, युद्ध ही करना है, ये रावण ने के मन में था, युद्ध करेंगे और सीता को एंजॉय करेंगे। यस, तब रावण ने सभा में जो बड़ा महल था एक हॉल, उसमें सारे लीडर्स को बुलाया। हाँ, अपने गोल्डन चैरियट पर गया विशेष सभा में, विशेष जो मीटिंग करना था हॉल, उसमें बुलाया सबको, सारे राक्षसों को, सारे लीडर्स को बुलाया। तो सब लोग दौड़ के आया सब जगह से, जब रावण सुना कि रावण का आदेश है, सबको बुला रहे हैं सारे लीडर्स को, तो सब लोग जल्दी पहुंच गया। और विभीषण भी रावण के सामने बैठ गए। तब रावण ने पहले प्रहस्ता मुख्यमंत्री को बोला, तुरंत अरेंज करना है कि जो दीवार है उसके पास आसपास उसको डिफेंस बढ़ाना है कि को अंदर कोई नहीं आ सकते, उसको बढ़ाना है तुरंत। तो प्रहस्ता ने तुरंत भेजा, आदेश दिया और अरेंजमेंट किया कि ये हो गया। थोड़ा समय के बाद वापस आ गया और कहा कि हो गया, ये जो आपने आदेश दिया हो गया। तब रावण सबको बताया कि अभी क्या होने वाला है,
कि राम आर्मी के साथ शायद आएंगे सीता को लेने के लिए, जिनको मैंने सीता को मैंने पकड़ लिया। और आए मुझे सीता को के लिए इतना प्रेम है, जब भी वो अभी समर्पित नहीं है अभी तक, लेकिन अभी रावण कुछ बोलेंगे, रावण बोलेंगे कि सीता ने संकल्प दिया, प्रॉमिस किया, वचन दिया कि एक साल के बाद आने के बाद एक साल के बाद वो मेरे हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। तो इसीलिए उस अभी तो कुछ महीने बाकी है, इसीलिए अभी ये राम को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर रावण ने झूठ बोला, ये जो राक्षस लोग हैं तो कुछ भी बोलेंगे, आपने आपने काम करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कभी भी झूठ भी बोलेंगे अपने लोगों को। तो रावण ने कहा कि सीता ने मुझे प्रॉमिस किया कि एक साल के बाद अगर राम नहीं आएंगे मैं आपके हो जाएंगे। सीता कभी ऐसे सोचा भी नहीं, लेकिन ये उन्होंने झूठ बोला। रावण कभी स्वप्न में भी ऐसे नहीं सोचा। तो तब तब क्या हुआ, तब कुंभकर्ण ने क्या कार्य होकर, क्योंकि रावण ने पूछा सभी से, आप मुझे अभी सुझाव दीजिए क्या करना, आप हेल्प, आप तैयार है ये करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, ऐसे भी बोला। तो अभी कुंभकर्ण ने कहा, अभी जब रावण ने पूछा कि आप लोग सहमत है, तो उन्हें जानते थे कि सब लोग हाँ बोलेंगे, शायद विभीषण से अलावा कोई नहीं, मना नहीं करेंगे। लेकिन तब कुंभकर्ण खड़े होकर, कुंभकर्ण बोल रहे कि अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप सहमत हैं, आप सुझाव ले रहे हमसे, लेकिन जब आप सीता को पकड़ लिया उस समय आप पूछा नहीं हमसे नहीं, और अभी इतना समस्या हो गया, इतना बड़ा दुख आने वाला, इतना घटना आने वाला है, पहले नहीं पूछा आप हमसे, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। कुंभकर्ण ने रावण को बोला, मैं आपके साथ हूँ और मैं खुद युद्ध में जाऊँगा, तो तब सबको हम खत्म करेंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती। तो कुंभकर्ण रावण जैसे शक्तिशाली है, रावण और कुंभकर्ण दोनों शक्तिशाली हैं, सेम पावर, एक ही शक्ति। लेकिन यहाँ भी वर्णन है कि वो कुंभकर्ण को देवी देवता देवता ने तोड़ा, उसको त्रिक किया जब तपस्या किया। वास्तव में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये सब लोग ने तपस्या किया, बहुत तपस्या लंका में। तो उस समय जब तपस्या समाप्त था, तो ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया सभी को। रावण ने ये पूछा कि किसी से नहीं मर जाएंगे, देवांतों से, आस्त्रों से, सब कुछ, केवल मनुष्यों नहीं बोला, क्योंकि सोचा कि मनुष्य शायद बंदर जानवर से भी नहीं बोला, सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। और विभीषण ने पूछा कि मुझे भक्ति चाहिए, सब लोग शक्ति के लिए प्रार्थना की, विभीषण ने कहा कि मुझे भक्ति चाहिए। जब ये ऐसे बोला ब्रह्मा जी को, तो कुंभकर्ण, रावण चिल्लाने लगे, तुम क्या पूछ रहे, ये भक्ति तो बेकार चीज़ है, शक्ति के लिए पूछो। लेकिन वो भक्ति के लिए पूछा, और वास्तव में भक्ति सबसे बड़ा शक्ति ही है एक्चुअली। अभी भक्ति के वजह से सारा शक्ति लंका में खत्म होगा, पराजित हो जाएंगे। अभी कुंभकर्ण ने तपस्या करने के बाद उन्हें बोला कि उनका भी ये इच्छा था कि कभी नहीं मर जाएंगे, इसे बोलने वो बोला बोलने वाले थे नित्यत्वम, मुझे नित्यत्वम चाहिए। तब देवता ने उनका जो वाणी है थोड़ा बदल दिया और उन्हें निद्रत्व बोला,
ब्रह्मा जी वहाँ खड़े रहते और अभी आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। कुंभकर्ण सोच, अब मैं नित्यत्व बोलूंगा तो निद्रत्व, मुंह से निद्रत्व शब्द निकल दिया, निकल गए। निद्रत्व मतलब मुझे सोना चाहिए। तो जब निद्रत्व बोला तो ब्रह्मा जी जल्दी वहाँ ततास तो हो जाएगा। तब वो कुंभकर्ण समझ गया, मैंने क्या निद्रत्व नहीं नित्यत्व। तब कुंभकर्ण ने प्रार्थना किया, देखो मैं इतना कठोर तपस्या की लिया सोने के लिए, नहीं मुझे चाहिए और कुछ और, केवल सोना नहीं। तो ब्रह्मा जी ने बाद में इतना आशीर्वाद दिया कि 6 महीने सोएंगे, और यहाँ इसके हिसाब से 6 महीने के बाद 1 दिन उठेंगे 1 दिन के लिए, और बाद में बाकी दोबारा सोएंगे। इसलिए जो साबा को बुलाया रावण, वो उसी दिन था 6 महीने के बाद जब कुंभकर्ण उठ गया, और बाद में अगले दिन दोबारा सो जाएंगे। और हम ब्रह्मा जी उनको ये भी दिया कि सोएंगे और खाएंगे, जब उठेंगे तो खाना खाना उनको भूख रहेगा। तो खम्ब रामायण में बहुत वर्णन है उसके बारे में, कैसे उनने खाया, कितना भैंस और कितना खाना खाया, वो बाद में देखेंगे। अभी ये बात है कि अभी बीच में उठ गया इस साबा के लिए, केवल उनको उठाना पड़ा तब वो युद्ध अच्छे से कर पाएंगे। हरे कृष्ण। अभी निद्रत्व के लिए समय हो गया तो हम आगे जाएंगे। तब एक राक्षस ने कहा, एक विशेष राक्षस थे, उनका नाम थे महापार्श्वा, और बहुत सारे रावणों के जो सेना है उसका लीडर थे। उन्होंने कहा, लेकिन रावण आप तो सीता को एंजॉय कर सकते हैं बाय फोर्स, आप उसको एसेज कर सकते हैं, आप कौन आपको रोक सकता है, आप जी सीता को एंजॉय करो। तब रावण ने कहा कि वास्तव में मैं एक श्राप मिला जो मैं किसी को नहीं बताया। तो रावण ने राक्षसों किसी को नहीं बोला कि वो श्राप जो मिला नाला कुबेर से, ब्रह्मा और नाला कुबेर, नाला को जब रावण ने रामबा को रेप किया तो नाला कुबेर ने श्राप दिया कि कभी भी दोबारा कोई दूसरा स्त्री को रेप करना चाहेंगे तो मर जाएंगे तुरंत। तो ब्रह्मा ने उसी श्राप इन्फोर्स किया, री इन्फोर्स किया, कॉन्फर्म किया कि ऐसे होगा। तो ये बहुत शक्तिशाली श्राप था। तो इसीलिए जो रावण ने अभी बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसे श्राप मिला इसलिए नहीं कर सकता। फिर भी सारे राक्षस तैयार थे उनको मदद करने के लिए। तब उसी सभा में दोबारा विभीषण खड़े होकर बोलने लगा। रावण कुछ समय अपना मृत्यु अपना गुणगान किया और ये सब, बाद में जब थोड़ा शांत हो गया तो विभीषण खड़े होकर बताया। उनको लगा कि मेरा ड्यूटी है, जब ये लोग भी नहीं स्वीकार नहीं करेंगे, उनका ड्यूटी था कि उनको समझाना है अच्छे से कि सही क्या है। तब विभीषण बोल रहे कि कौन है, कौन आदमी है जो आपके गाले में ये सांप जो पॉइजनस स्नेक है सीता, उसको कौन लगाया आपके गाले में। उन्हें सोचा नहीं कि सीता को अगर आप अपने पास रखेंगे आप मर जाएंगे, तो कोई कौन है शत्रु, कौन है आपके एनिमी जो ऐसे किया। विभीषण बहुत विस्तार से समझाया कि कैसे क्यों सीता को वापस देना चाहिए। सर राक्षसों को मूर्ख भी बोला कि तुम लोग कभी भी राम को पराजित नहीं कर सकते। और उनको लगा ये मेरा ड्यूटी है ऐसे अच्छा बताना है, और जब ये लोग नहीं समझ पाएंगे फिर भी मेरा ड्यूटी है। और जानते थे कि जो लीडर है, जैसे रावण की ड्यूटी ये था कि सारे सुझाव लेना और उसके बारे में विचार करना, लेकिन रावण ने कुछ नहीं सोचा, वो पहले से डिसाइड किया। फिर भी उन्होंने बुलाया, सुझाव के लिए बोला पूछा, लेकिन नहीं,
वो तैयार नहीं थे, वो उनका ऑलरेडी हो गया कि मुझे युद्ध करना। तो विभीषण ने इतना समझाया, तब इंद्रजीत को इतना गुस्सा आया है। जब इंद्रजीत रावण के पुत्र विभीषण को सुनते सुनते उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, कैसे तुम अपना अपने को राक्षस बोल सकते, तुम तो राक्षस ही नहीं है। वास्तव में राक्षस नहीं थे, राक्षस थे जन्म से, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़े भाग थे। आप कमजोर हैं, आपको डर लग रहे क्या, ऐसे बोलने लगे। तब इंद्रजीत अपना गुणगान शुरू किया, कैसे उन्होंने अकेले सारे देवताओं को पराजित किया, इंद्र को पकड़ लिया अरावत पर। तो उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मण और राम को अकेले ही मारूंगा, दोबारा ऐसे बोला। तो विभीषण ने अब बाद में उसको डांटा, विभीषण ने इंद्रजीत को डांटने लगा, तुम लड़का है, तुम बच्चा है, तुमके पास जो बुद्धि है पक्का बुद्धि नहीं है, तुमको पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आप तुम ऐसे सोच रहे कि युद्ध करना है, तुम्हारे पिताजी का शत्रु है, बेटा नहीं पुत्र नहीं, ऐसे लोगों को मृत्यु देना चाहिए, मरना चाहिए, ये सब विभीषण ने बोला। तो रावण तो बहुत, रावण को बिल्कुल पसंद नहीं था विभीषण जो बोला। तो विभीषण ने, उन्होंने डिसाइड किया, रावण ने निर्णय बनाया कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, विभीषण जो बोले मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब रावण ने विभीषण को अपमान किया कि तुम शत्रु का को गुणगान करते हैं, तुम एक सांप जैसा है, तो अच्छा है आप अनवर्ती है, आप मेरे भाई नहीं है, ऐसे ये ऐसे सब बोला। अभी कंब रामायण में वर्णन भी है कि वहाँ पर विभीषण ने उदाहरण भी दिया कि देखो, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को परेशान किया, स्वयं भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गया, प्रहलाद को रक्षा दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया, ये सत्ययुग में था। तब रावण ने कहा, हाँ तब विभीषण ने कहा, और ये जो राम है वो स्वयं नरसिंहदेव है, वो एक ही व्यक्ति है। तब रावण ने कहा, और तुम प्रहलाद जैसे हैं। हाँ, ये कंब रामायण कंब ऋषि बताते। तो ये सब, तो विभीषण, रावण ने विभीषण को बहुत डांटा और अपमान किया सबके सामने। तब विभीषण समझ गया कि मैं कुछ और नहीं कर सकता। तब वर्णन है कि विभीषण अपने चार उनके मित्र थे उनके साथ, जो एक ही विचार करते थे जैसे विभीषण, वो आकाश में उड़ गए वहाँ पर और आकाश से बोल दिया, तो आपने मुझे बहुत अपमान किया रावण, और मैं अभी अब तो पागल है हो गया, तो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। विभीषण वहाँ से चले गए, और जब विभीषण चले गए तो रावण तो उनको रोकने के लिए प्रयास भी नहीं किया, बहुत खुश थे कि ये चले गए, अभी मुझे कोई उल्टा बोलने वाला कोई नहीं है। तो रावण प्रसन्न थे कि विभीषण चले गए। तब उन्हें आदेश दिया युद्ध की तैयार और ये सब। तो विभीषण ने डिसाइड किया कि मैं राम के पास जाऊंगा, और ऐसे हुआ। विभीषण और उनके जो साथी थे वो उड़ गया और सीधा राम के पास गया, समुद्र को पार किया, और वहाँ जो पूरा सब वानर थे वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ जब पहुँच गया तो हवा में उड़ के वहाँ
इंदे एयर लेते थे और तुरंत सारे वानरों का जो लीडर है सुग्रीव को के को बोला कि मैं आया, तो सुग्रीव तुरंत पकड़ वहाँ आ गया और जब उन्होंने राक्षसों को देखा, पांच लोगों को, पांच बड़े राक्षस, तो उनको लगा कि ये लोग तो अटैक करने के लिए आए, ये कोई ट्रिक होगा। तो उन्होंने ऐसे सोचा क्या करेंगे, तो सुग्रीव हनुमान से बात कर रहे, ये लोग आया आक्रमण करने के लिए, उसको खत्म करना मारना। तो जब ये ऐसे बात हुआ तो तब विभीषण ने केवल बोला कि मैं तो उनके भाई हूँ रावण के, और मैं जानता हूँ कि सीता को रावण ने पकड़ लिया, लेकिन मैं यहाँ पर आया अपना जीवन समर्पित करने के लिए राम को। और ये सुग्रीव तो स्वीकार नहीं किया, तो विभीषण ने केवल बोला कि आप राम को बताइए कि मैं आया कम से कम। तो तब राम को जब इन्फॉर्म किया, सुग्रीव गए खुद इन्फॉर्म करने के लिए, तब सुग्रीव ने तुरंत बताया कि ये लोग आया हमको अटैक करने के लिए, वो बोलते कि हम समर्पित हैं, बात ये लोग आ गया और कुछ भी करेंगे हमारे साथ। राम ने श्रवण किया, उसके बाद देखा, क्योंकि उनके सामने सब लोग बड़े वानर, हनुमान, अंगदा और बाकी जो लीडर्स थे सब वहाँ थे। तो राम ने बोला, आप लोग क्या सोचते? तो सब लोग एक एक बोला कि नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा, वो समर्पित हो सकते, बोल रहे ऐसे लेकिन वो असुर है, हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते ये राक्षसों को। सब लोग ऐसे बोल दिए, सब, केवल हनुमान कुछ नहीं बोला अभी तक। तब राम हनुमान की तरफ देखा और आपका सुझाव क्या है, उनने बोला, तो आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, आप अपना सुझाव बताएं, बताओ। तो हनुमान ने कहा कि आप खुद समझ सकते क्या करना चाहिए। एक्चुअली हनुमान ने कहा कि राम तो जानते सब कुछ, कुछ भी जान, सब कुछ जो है वो जानते क्या करना, फिर भी आप अपने विनम्र भाव से आप हमसे सुझाव लेते, तो इसीलिए मैं बताऊंगा, क्योंकि आप ऐसे आदेश दिया। तो हनुमान ने कहा कि विभीषण को स्वीकार करना है, क्योंकि जब एक बार कोई समर्पित हो जाते आपको राम, तब आप उनको मना तो नहीं करेंगे, तो ये एक ही बात। और हनुमान ने कहा कि जब विभीषण ने बोला, बोलने से पता चलता है कि व्यक्ति जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये उसमें कुछ और उद्देश्य है बोलने से, जो बोल दिया उससे और कुछ उद्देश्य है, कुछ और करना, ये सब पता चलता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे इस प्रकार का सीधी बात बताया, ये हनुमान ने पहचान किया। और ये अच्छा, ये पुण्यशाली व्यक्ति है। और अभी खम्ब रामायण में ये भी वर्णन है कि हनुमान ने कहा कि जब मैं गया लंका में और जब मैं सीता की खोज किया, मैं हर एक घर पे गया, हर एक जगह, और जब मैं विभीषण के घर पे आ गया जहाँ वो रह रहे, केवल वो एक स्थान था जो चार पापों से मुक्त था। कौन से चार पाप? नाशा, मांस, अवैधिक स्त्री पुरुष संग और जुआ, ये चार जो चार महापाप है। केवल विभीषण का जो घर है वो ही केवल उससे, इस चारों चीज से मुक्त होगा, बाकी सारे राक्षस इसमें लग गए। तो इससे भी पता चलता कि चार नियम पालन करना चाहिए, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं है। तो ये हनुमान ने कहा, इसीलिए उनको स्वीकार करना चाहिए। तब राम ने कहा, ये हाँ, हनुमान ने सही बोला, हनुमान आप सही बोल रहे। तो सबको धन्यवाद, लेकिन जो हनुमान ने कहा वो सही है। तब राम ने कहा विशेष चीज,
मैं कभी भी किसी को मना नहीं कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति समर्पित हो जाएंगे मैं उनको स्वीकार करता हूँ। और यहाँ जब ये उन्होंने कहा, राम ने ऐसे बोलने लगा, तब सुग्रीव फिर भी बोला कि नहीं, मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, वो असुर है। अभी हो सकता है कि समर्पित हो जाएंगे, लेकिन असुरों का स्वभाव ऐसा है, वो बाद में अपनी नेचर, अपना जो भाव है उसमें वापस फंस जाएंगे, तो हम उनको विश्वास नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपने भाई रावण को छोड़ दिया तो बाकी हम लोगों को भी छोड़ सकते बाद में, और बाद में जब हम युद्ध करेंगे तो हमारे हमको ही मारेंगे। सुग्रीव ने कहा कि विभीषण को पकड़ना है और मारना ही, ये सुग्रीव ने अभी तक सोचा। सब लोग ऐसे, तब राम ने और समझाने लगा कि नहीं, देखो जो शत्रु है, शत्रु भी अगर है, अगर आ गया हमारे पास अतिथि जैसे, तो मतलब उनको भी अच्छे से स्वागत करना, उनको सब कुछ देना है, ये शास्त्रों का नियम है। तो ये भी महाभारत में वर्णन है कि दिन में वो युद्ध करते थे और शाम को साथ साथ योद्धा लोग बैठे थे दोनों पक्ष के, और वो बात करते थे और सब युद्ध के बारे में और ये सब और दिन में वो युद्ध करते थे बस जीवन खत्म करने के लिए पूरा। और यहाँ पर राम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आएगा हमारे पास, हमें सोचना नहीं उनका उद्देश्य क्या है, अच्छा उद्देश्य से आ गया ये गलत हमारे लिए, हमारा हितेशी है, हमारा शत्रु है, जो भी है उनको हमें स्वागत करना, जो भी कुछ है, अगर हम ऐसे व्यक्ति को भेज दिया तब क्या होगा। मान लीजिए कि अभी विभीषण आया समर्पित करने के लिए, हम उनको स्वीकार नहीं किया, राम ने कहा अगर ऐसे व्यक्ति को भेज दिया, उनको स्वीकार नहीं किया, तो हमारे सारे जो पुण्य है वो लेके जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आता है हमारे पास कोई भी कारण से अगर हम उसको भेज दिया, नेग्लेक्ट किया, उपेक्षा किया, नेग्लेक्ट, तो वो हमारी जो भी पुण्य है वो लेके जाएंगे उनके साथ, ये राम ने कहा। और ये महत्वपूर्ण बात जो अब राम बताएंगे, ये महत्वपूर्ण है, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा और बताएं और बोलेंगे आई एम योर्स, हे भगवान राम मैं आपका हूं, मैं समर्पित हूं, एक बार अगर ऐसे बोल दिया, राम ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को रक्षा दूंगा और सारे दुखों से रक्षा दूंगा, सारे डेंजर से हमेशा के लिए। अगर वो केवल एक बार आएंगे मेरे पास और बोलेंगे हे राम मैं आपका हूं, मैं समर्पित हूं, राम ने कहा कि मैं हमेशा के लिए ऐसे व्यक्ति को सारे दुखों से मुक्ति और रक्षा देता हूं, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा भाव है सबके सामने, ये राम ने कहा। आज सबके सामने मैं संकल्प देता हूं, कोई भी व्यक्ति एक बार बोलेंगे कि मैं समर्पित हूं हे राम, तो मैं उनको पूरा रक्षा देता हूं हमेशा के लिए, ये राम ने कहा। राम ने कहा अगर स्वयं रावण आएंगे मेरे पास, मैं उनको मना नहीं करूंगा, मैं उनका अगर वो समर्पित होना चाहते हैं मैं उनको भेजूंगा नहीं वापस। तो विभीषण को बुलाओ, मैं उनको और भी रक्षा दिया, अभी विभीषण को यहाँ बुलाओ। तो सब लोग जब सुना सबको बहुत अच्छा लगा, सारे जो वहाँ बहुत खुश थे। तो तब जो सुग्रीव थे वो भी स्वीकार किया, और सुग्रीव ने खुद ही विभीषण को बुलाया, तो राक्षस बहुत प्रसन्न थे। अभी ये भी वानर है, जब विभीषण ने प्रतीक्षा किया, दूसरे वानर ने उनको बहुत अपमान किया, राक्षस है वो है ये,
उसको मारो, ये मारो। लेकिन जब सुग्रीव आ गया तो बोला, रावण राम एक्सेप्टेड थियो। तो राम को मिलने से पहले विभीषण जब समाचार मिला कि राम एक्सेप्टेड थियो, विभीषण रोने लगा। देखो कि मैं असुर, मैं राक्षस हूँ, मैं रावण के भाई हूँ। रावण ने राम की जो पत्नी उसको किडनैप किया, इतना परेशान किया, राम इतना परेशान है मेरे भाई के वजह से, और फिर भी राम ने मुझे स्वीकार किया। रोने लगा कि ये कितना राम कितना दयालु है। तो बाद में जब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ दंडवत प्रणाम दिया राम को, और उन्होंने कहा कि मैं विभीषण हूँ, मैं रावण के छोटे भाई हूँ। रावण बहुत बताया, मुझे अपमान किया, मैं सीता को वापस देने के लिए बोला लेकिन वो तैयार नहीं है, तो मेरा जीवन आप पर निर्भर है। मैं सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ अभी मैं आपका हूँ, समर्पित, मेरा जीवन आप पर निर्भर है भगवान राम। राम बहुत प्रसन्न थे, विभीषण को देखा, उनको स्वागत किया, आप स्वागत है, कोई बात नहीं है, तो अब हमको बताओ राम रावण के बारे में। तो विभीषण ने रावण के बारे में बताया, उनके शक्तियों के बारे में, अपने अपने सेना, अपने योद्धाओं के, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, प्रहास्ता, महोदर और बाकी जो बड़े राक्षस थे, उनके जो शक्ति है किस प्रकार का है, सब कुछ बताया। राम ने कहा मैं कई कुछ बहुत कुछ सुना इस चीज़ों के बारे में। और राम ने कहा कि विभीषण, राम इतना प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा जब हम सारे असुरों को मारेंगे, वहाँ पर ख़त्म करेंगे और रावण को, तो आपको ही स्थापित करेंगे राजा के लिए। उन्होंने बोला कि लक्ष्मण अभी आप समुद्र से पानी लेके आओ, अभी हम उसको राजा बनाएंगे। तुरंत भगवान इतना प्रसन्न थे विभीषण से। उसके बाद हनुमान जब ये थी, एक्चुअली खंब रामायण में ये भी वर्णन कि अभी क्या है, ये जो पांच राक्षस आ गया विभीषण, और ये देखने में वो तो बिल्कुल राक्षस थे, ऐसे बहुत खाले थे, देखने में तो राक्षस राक्षस ही थे, ऐसे दिल तो था भक्ति, बट अभी दूसरे इतना बड़ा सेना है वानरों का, बंदरों का, तो वो कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारे साथ है। इसीलिए राम ने कुछ दिया उनको, आई थिंक माला गालन विशेष दिया, और ये था कि सुग्रीव और ये सब जाएंगे, सब सारे सेना को दर्शन करेंगे, दिखाएंगे कि ये विभीषण है, उन्होंने अपने जीवन राम को समर्पित किया, और कि सारे वानर पहचान करेंगे कि ये हमारे हमारे साथ है, राम ने उनको स्वीकार किया। तो वो विभीषण को लेके जाते थे सबके सामने और अनाउंस करते थे कि ये उन्होंने स्वीकार, क्योंकि इतना बड़ा सेना था कि यहाँ से वहाँ बहुत दूर तक जाना, वाना ने कि पूरा रात घूमते थे और सबको समाचार देते थे कि ये विभीषण है, रावण के भाई, समर्पित हो गया, राम ने स्वीकार किया, जय श्री राम, जय श्री राम। और बाद में विभीषण को बंदर लोग भी पकड़ लिया, ऐसे ऊपर अपने हाथ पर, जय श्री राम, और विभीषण को ऐसे हाथ पर लेके जाते थे, उनके साथ ही जाते पूरा रात सुबह तक, क्योंकि सेना तो असीमित था। बाद में वर्णन होगा कि सेना कितना बड़ा था, असीमित। तो हनुमान ने बाद में विभीषण से पूछा, अभी हम समुद्र को कैसे पार करेंगे। अगली टाइम, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान की जय।
विभीषण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।